बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान के एक ऐसे गांव के बारे में जानेंगे जहां पर बहुत कसरत से सेब पैदा होता है और यहां से ये सेब इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी किया जाता है पूरी दुनिया में। तो देखिए आज के ब्लॉग को और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ये जी पारी विलेज, और यहाँ पर जाने के लिए हमें इस पुल को क्रॉस करना पड़ेगा। इस पुल को क्रॉस करके ही हम पारी विलेज में दाखिल हो सकेंगे और यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत सी नज़ारा नज़र आएगा और पौधे और कुदरती मनाजिर। पारी विलेज का जनरल स्टोर जो पूरे गांव की ज़रूरियात को पूरा करता है। और ये जी वो सेब जो दरख्तों से पककर गिर पड़े हैं, इन सेबों को इकट्ठा करके खुश किया जाता है और फिर उसका पाउडर बनाया जाता है जो कि दूध के साथ इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फायदा देता है। ये एप्पल के बारे में बता रहे हैं क्या क्या खूबी है। ये पूरा साल ख़राब नहीं होता और अपनी इसी खूबी की वजह से ये रहता है। ये है जो सेब जो दख्श से गिर पड़े हैं और इनको इकट्ठा करके खुश किया जाता है और फिर उसका पाउडर बनाया जाता है। जो सेब है ये बाज़ार तो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है लेकिन ये बहुत ही कड़वा और जहरीला किस्म का सेब है। तो ये आप गौर से देखें, बहुत खूबसूरत है लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा कड़वाहट है। ये वो सेब है जो गिरे हुए हैं और इन सेबों को लोग इस्तेमाल नहीं करते। ये टमाटर का एक पौधा है जी, और ये जो सेब है जो गिरे हुए नीचे होते हैं इनको गाय बकरियाँ और पैसे वगैरह को चारे के तौर पर दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको बाजरा या ज्वार की किस्म नज़र आ रही है जो पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। ये हमारे पंजाब में नहीं होती बल्कि यहाँ पे होती है सिर्फ बाजरे की तरह की ज्वार है। नाशपाती है जो कि बहुत ज़्यादा मीठी होती है और इसी इलाके में पाई जाती है सेबों के पकने के बाद। और ये देखिए कितने खूबसूरत सुर्ख और सफ़ेद सेबों का बागीचा सा नज़ारा है। हर तरफ सेब ही सेब हैं, दरख्तों पर पत्ते कम और सेब ज़्यादा नज़र आ रहे हैं।
दरिया सिंध दिखाया जाएगा। इतना खूबसूरत मंजर है कि आप शायद ख्वाब में भी ऐसा मंजर ना देखें। नीचे पानी बह रहे हैं, ऊपर सेबों के दरख्त हैं और उनके साथ सुरख सुरख सेब है। देखिए कितना खूबसूरत मंजर है, ऊपर सेबों के दरख्त, नीचे पानी, और क्या मंजर है जी, जबरदस्त जबरदस्त। अब यहाँ पर खुबानी का सीजन ऑफ हो चुका है और ये थोड़ी सी खुबानी है जो पकी हुई रहेगी, इन्हें हम इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे और अगले मंजिल की तरफ चल पड़ेंगे। नहायत ही पुरसकून जगह, नहायत ही ऐसे लोग जो शहरों के शोरों बोल से तंग आ चुके हों, उनके लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। बहुत पुरसकून जगह है, बहुत ही पुरसकून, और साथ ऐसे सेब अगर मिल जाए तो क्या ही बात है। कई लगाई गई है जी, छोटे छोटे सिट्टे हैं और कुछ सब्जी भी लगाई गई है। और जी जी गल्ला खुश करने के लिए घर बनाया गया है, मकान सा है पत्थरों के ऊपर। जगह बहुत ही पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और मिलेंगे अगले किसी व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।